उन्होंने भाषा बनाई है, चाहे कुछ भी है, संता पिजुड़िया उन्होंने बुझी है, उनका छायादार होता है बिना डकर उनका सर सर थोड़े हमारी तरफ सर। अगर आज मैं ऐसे बंदे की सम्मानित कर सकनी हाँ या ट्रॉफी दे सकनी वादे ना सावन का अंदा मैं अपने पापा ही को गल शुरू करनी हाँ कि वो आखिर जड़ा कोई अपनी धरती कने जुड़ेदा रहा ना वो कदे गलत नहीं हो सकता, वो जरूर सही हो। और इस मिट्टी ने साढ़े जम्मू ने इन्ने कलाकारें की जन्म दिता है, इन्ने मतलब इतिहासिक लोगों की जन्म दिता है। तुस दीनू भाई पंत हुंदे कोला शुरू होई आओ ते साढ़े पंडित शिव कुमार जी ले लाओ और उस टाइम ते और पद्मा बोबो जी की ते भुली नहीं सकते, उन्हें जो किश कीता है और जिस तरीके कन्ने इको डांट लगाई गेदियां कि डोगरी वास्ते भी करना है ते जम्मू वास्ते भी करना है और साड़ी धरती ने इन्ने कलाकार पैदा किते मैं उन्हें सारे ही नमन करनी हाँ। इन्ना तुसे लोके जड़ा तुस अपनी डोगरी आस्ते अपने संस्था इन्हें तो मैं आखी उड़े मैं बॉम्बे डोगरा समाज ट्रस्ट की मैंबर हाँ, मगर मैं नहीं सुनाना चाहनी मैं थोड़ी भी मैंबर हाँ क्योंकि अच्छा काम जिथे भी हो है उथे करना चाहिदा। ये लोग ढूंढी ढूंढी है, ये लोग ढूंढी ढूंढी है अपना एक कॉज कढ़दे न उसके वास्ते करते न लड़ते न और उसके उपर काम करते। अज कौन है जिदे कोल इन्ना समय है कि जड़ा साढ़े वास्ते अपनी जगह वास्ते कढ़ी सके, जड़ा वो बंदा है वो बड़ा महान है। इस करिए अज मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करनी हाँ, मैं सूरज सिंह होने भी काफ़ी इनके बारे च भी सुनिया, इन्हें शायद मेरी फ्रेंड भी इनके कोला म्यूजिक सीखती है और अनुपमा तो हमेशा इनकी इनिया तारीफा करती है और असें तो खैर अनुपमा का जोड़ा हुनर है वो तो अस बचपन तो देखते आए हैं, स्कूल च इन्हें असं हमेशा कॉम्पलैक्स रखे है और इस करिए इसके कन्ने ही मैं नवी डोगरी संस्था का बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें मी इन्ना बड़ा मौका दिता कि मैं आज इन्ने अच्छे लोगों कन्ने मिली हाँ और नवे लोगों कन्ने मिली हाँ। ये लोग ढूंढी ढूंढिए लोग लियांदे न कि जिंदे च वाकई हुनर है और जरूरी नहीं है कि एक कोला एक अज मैं किन्ने नवे चेहरे दिखे न, इनको मैं पहली बार ही देख रही हूँ और आपके बारे में कितना कुछ सुना है मैं नहीं पता तुम्हें डोगरी आती कि नहीं आती मगर थोड़ी बहुत ही आती है। सो अपनी जगह दा अपना और सारे दा नाम रोशन करो और उसके कन्ने नवी डोगरा संस्था दा बड़ा बड़ा शुक्रिया और थैंक यू वंस अगेन। ते मेरे सिर्फ गाना और संगीत रुचि रही सारी उम्र, मैं बोलना तो हुंदा ही नहीं है मगर धी भी मैं बोलती हूँ, यही नहीं गल आखी। तो मेरी गल इं है अपने अरिस्ता भाई है जी मेरे कन्ने नौकरी करते हैं, उनका एक शेर है कि कौन किसका मोन सो मैखार है आदमी से आदमी बेजार है। इस शेर के मद्देनजर मैं ये आखने की कोशिश करें कि कोई कुसा का हमदर्दी नहीं जी है, चंद लोग वह भी आर्टिस्ट होंगे जेडे वो एक दूए की हमदर्दी करते, जिया के मैं रेडियो चा नहीं सारी 95 मैं रेडियो का एडिशन किया अपना म्यूजिक कंपोजर का, पोतरा साहब बैठे थे ये भी पता अज मैं आखी सकना पहले ना शायद आखी सकता मंगोत्रा साहब नहीं होंगे तो मैं रेडियो की लोकल एडिशन कमेटी का जज नहीं बनता, यह सच गल है।
इन्हें भी पता नहीं पछाणी दिया होने मेरी इनकी कोई गलिश्ता नहीं है ते इन्हें पता नहीं अंदर के कोई गुल्लू सुल्लू किया ते मेरे बारे लिखिए भेजी ओड़िया जी कि पता नहीं क्या लिखे हूँ मी नहीं पता किया इन्हें बनाया हूँ मी मगर इन्हें मी जज बनाया दूसरी गल है उऐ गल आई फिर मजी आई बोलना भी मैं आता इे चार अक्षर के आदमी की आदमी कने हमदर्दी रखनी चाहिए हर हाल तो तुसी जानते हो या नहीं जानते अगर जानते हो तो भी अगर नहीं जानते हो तो भी हमदर्दी कर हमदर्दी करने और प्यार करने ही दुनिया चलती है। धन्यवाद। नाम अनुपमा शर्मा है और मैं नवी डोगरी संस्था की पेट्रन हूँ और आज जैसे जड़ा ये प्रोग्राम किया है अपने श्रद्धे पृथ्वीराज शर्मा ने ही सम्मानित किया है ये साड़ी अपनी संस्था से बड़ा सम्मान की गल है कि असें मौका मिलया कि इतने अच्छे इतने पुराने साड़े कलाकार कंपोजर सिंगर और उनकी तो फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन है क्योंकि उनके बड़े भरा स्वर्गीय ओपी शर्मा सारथी और एक बहुत वड्डा नाम जम्मू च है पोएट्री च पेंटिंग च उंदी के कला ही उंदे कोल एक बहुत ही वड्डी हस्ती है इंदे बड़े भरा इंदी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती कांता शर्मा और वो भी एक बहुत अच्छिया सिंगर ही हैं इंदे सिस्टर इन लॉ अज साढ़े जड़ी बेस्ट भाख क्वीन जिसी अस आखने कृष्णा कुमारी और इंदे बच्चे इंदा बेटा इंदियां बेटियां सारे गै म्यूजिक फील्ड च अपना अपना काम करा दे और इंदी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है अज अस संस्था च बड़े खुश हाँ और बड़े सम्मानित और बड़े हर्षोल्लास अस महसूस करा ने कि असें इन्हें सम्मान दिता इंदा सम्मान साढ़ा सम्मान है और अस ये चालू रख गए ये काम कि अस जिन्हें भी पुराने साढ़े कलाकार न क्या वो कवि न क्या वो सिंगर्स न म्यूजिशियंस न ड्रामा आर्टिस्ट न जड़े बेचारे अज नवी पीढ़ी जिन्हें नहीं जानती है और ना ही कुसै इदारे ने या कुसै संस्था ने उन्हें इन्ना इसलिए अज उंदे कन्ने उंदा तालमेल नहीं होआ दा अस इयो जे कलाकारें गी तुप्पियै लियागे अस खोज के और अस नवी पीढ़ी दे सामने और जम्मू की जनता के सामने उन्हें लिया के और पूरा सम्मान करने उन्हें अस करके और जड़े स्वर्गीय साढ़े कलाकार न जियां साढ़े प्रदुमन सिंह होर न प्रीतम सिंह होर न साढ़े विमला देवी होर न साढ़े गिरधर लाल पंत होर न मनमोहन पहाड़ी होर न साढ़े कितने गै अनगिनत साढ़े इतने कलाकार न म्यूजिक च उन्हें गी अस बारी बारी असें सारे गी सम्मानित करना है असें नवी पीढ़ी गी उंदे बारे च दस्सना है और अस इसी अपना कर्तव्य समझने शुक्रिया बड़ा बड़ा।